हेलो ट्रेडर्स वेलकम बैक टू द चैनल मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं वीकली एनालिसिस दोस्तों लास्ट वीक हमने देखा दैट वाज अ मैसिव गैप डाउन ऑन ऑफ अगस्त राइट एंड फिफ्थ ऑफ अगस्त के बाद हमने देखा दैट ऑन सिक्स थोड़ा सा मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश की बट वापस सेलिंग हमको दिखी मार्केट में एंड आफ्टर दैट थ्री डेज कॉन्सिक्यूटिवलींसली तीन दिन हमने देखा मार्केट सिर्फ कंसोलिडेट करा था एक दिन ऊपर एक दिन नीचे सो so, अगर हम वीकली टाइम फ्रेम देखते हैं concept, we'll से नीचे है, सा यहां से बाइंग आया है बट वी है सपोर्ट था सपोर्ट वॉज दैट ट्वेंटी थ्री थाउजेंड सिक्स ओके और ये सेम सपोर्ट यहाँ पे भी है 23.650, 23.670 in the daily chart which is the 38.20% percent retracement from this election low, election जिस दिन result आया था, उसका low से लेके recent high तक मैंने इसको retrace किया है, तो उसका 38.20% percent retracement है, वो weekly time frame में 23.60% percent retracement है, और ये मैंने अपने पिछले video में बताया था Nifty and Bank Nifty short term view के video में कि कभी भी अगर एक पर्टिकुलर लेवल अगर दो अलग अलग टाइम फ्रेम पे साथ में हाईलाइट हो रहा है देन उस पर्टिकुलर लेवल का इम्पोर्टेंस बहुत बड़ा बढ़ जाता है नाउ वीडियो में आगे जाने से पहले एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि कभी भी अगर मार्केट में एक बड़ा गैप डाउन होता है या वोलाटिलिटी होती है उसके बाद अगर ट्रेंड क्लियर नहीं है मार्केट में तो बहुत सोच समझ के एनालिसिस करिए कभी भी जंप मत करिए

डो नॉट कम इन पैनिक और डोन्ट गेट इवन ओवर एक्साइटेड अभी बॉटम बन के सिर्फ मार्केट ही ऊपर ही जाना है प्रॉपरली कि क्या करना चाहिए सो so, निफ्टी के मामले में गुड थिंग yes, से निफ्टी ने थोड़ा सा पुल बैक दिया है ऊपर की तरफ यहाँ पे जो लो बनाया था आई गेस ट्वेंटी थ्री नाइन ट्वेंटी नाइन ट्वेंटी सिक्स से लेकर हम तो लोग थोड़ा चौबीस चार सौ की तरफ गए विच इज अट गुड साइन नाउ अकॉर्डिंग टू माई एनालिसिस अगर आप देखोगे तो जनरली वीकली टाइम फ्रेम चार्ट में ना इतने गैप्स नहीं बनते हैं गैप्स जनरली हमको डेली चार्ट या उसके नीचे के टाइम फ्रेम में ज्यादा दिखते हैं तो जनरली वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है तो इसमें यहाँ पे गैप बन चुका है चांसेस आर दैट दिस 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 गैप विल बी फिल्ड इन टू इज अ प्रोबेबिलिटी दिस इज अ चांस देर इज नो श्योरिटी चांसेस आर दैट दिस कैन बी फिल्ड बट अगर यहाँ पे प्राइज आता है और ये गैप फिल हो जाता है एंड इफ इट कंटिन्यूज टू गो हायर

और दोनों साइड के लेवल्स और व्यू हमको पता होना चाहिए मा ठीक है बैंक निफ्टी नाउ बैंक निफ्टी थोड़ा सा डिफरेंटली है बिकॉज इन टर्म्स ऑफ ट्रेंड देखिए डेली टाइम फ्रेम चार्ट में निफ्टी फ्लैट है और वीकली टाइम फ्रेम चार्ट में द ट्रेंड इज अप इज नो प्रॉब्लम एज ऑफ नाउ इन द वीकली टाइम फ्रेम चार्ट बट इन द बैंक निफ्टी फ्यूचर्स अगर आप वीकली टाइम फ्रेम चार्ट देखोगे तो हाँ मैं मानता हूं कि ऊपर से काफी ज्यादा वेरी गुड सपोर्ट ऑल्सो बट इन टर्म्स ऑफ ट्रेंड स्टेट ऑफ ट्रेंड इज फ्लैट इन दीकली टाइम फ्रेम चार्ट एंडली टाइम फ्रेम चार्ट अगर, मैं बोलू, नीचे है. पहले अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम चार्ट के ऊपर तो मैं इतना बोल सकता हूँ कि ये जो लेवल है करीबन फोर्टी नाइन थाउजेंड एट सेवेंटी इट इज अट सपोर्ट फॉर मीडियम टर्म वहां से बैंक निफ्टी ने थोड़ा सा बांस 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 है फिफ्टी थाउजेंड फाइव

In the time frame chart, वो ऐसे तो so टाइम पे बनते हैं जब मार्केट इज ओवर स्ट्रेच इधर ऑन द अप साइड इधर ऑन द डाउन साइड फिलहाल के सीनैरियो में डेली चार्ट में बैंक निफ्टी ऊपर से काफी ज्यादा नीचे आ चुकी है और अगर हम

and it has been like that. Right now we have been able to bounce back from 38.2 percent retracement in the weekly time frame chart in the daily time frame chart we have been able to close two days below the 127.2 percent extension and two days above it so as of now it is an average support not a great support plus now we are heading towards a gap which is a resistance so ye gap fill hota hai. फिल होने के बाद क्या वापस प्राइस नीचे आता है या इट कंटिन्यूस टू गो अप वो पहले देखना पड़ेगा एंड दिस इज समथिंग विच विल नीड पेशेंस अगर आप जल्दबाजी में कंक्लूजन पे जाओगे कि अभी बॉटम बन गया या तो यहां पे जैसे ऊपर जाता बेच दो सेल ऑन राइज करो देन आई थिंक आपको प्रॉब्लम हो सकता है सो so थोड़ा सा पेशेंस रखिए टाइम ऑटोमेटिकली आपको बताएगा प्राइवेट बैंकिंग चार्ट्स अगर मैं चेक करता हूं तो प्राइवेट बैंकिंग चार्ट वापस मैं ये देख पा रहा हूं कि ट्रेंड फ्लैट है weekly time frame mein, but in the daily time frame chart the trend is down but a good sign is that the price has retraced and come back to its previous high this is a high and this is a low so generally a previous high which is earlier resistance now will start giving support to the market to the private banking index now this same low is also a 50% retracement in the private banking pack we i am a high wave candle mill okay नाउ मेरे हिसाब से बाकी जितने भी स्टॉक्स हैं मैंने सबको स्कैन किया सबको देखा इतना मुझे अभी तक कुछ इनसाइट नहीं मिल रहा है बट इतना मैं बोलना चाहूंगा द वे कंसोलिडेशन इज हैपनिंग इन द एच डी एफ सी बैंक यस आई डो अग्री कि यहाँ पे बहुत बड़ा गैप है ये मैं बिल्कुल मानने के लिए रेडी हूं बट अगर यहाँ पे कोई बैंक थोड़ा सा पॉजिटिविटी दिखा सकता है फिलहाल के मार्केट में देन विल बी एच डी एफ सी बैंक it can be hdfc bank i'm not saying it will be but it can and it will have to do a lot of hard work because yahan pe bhi ek gap hai jo main yahan pe aapko dikha raha hu and plus this is also a resistance so agar ye surpass ho jata hai then possibly hdfc bank will be a stock which will be able to give some sort of support to push bank nifty little bit on the higher side all right energy pack

स्टॉक ऊपर जा सकता है एंड सेकेंड वन वॉज हिंदुस्तान पेट्रोलियम ओके सो हिंदुस्तान पेट्रोलियम में भी अगर हम देखते हैं तो रैली वाला स्टॉक क्लोजेस बिलो यू कैन से दिस लो ऑफ द कैंडल से थ्री अगर आप ब्राउन फिगर पकड़ लो अगर उसके नीचे क्लोज हो जाता है पर्टिकुलर स्टॉक देन बी विलगेटेड टिल दैट टाइम डेपन आई थिंक ट्रेंड माइट कंटिन्यू इन दिस स्टॉक ओके मेटल पैक नाउ मेटल पैक थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे क्योंकि मेटल पैक में क्या हुआ है कि इन द डेली टाइम फ्रेम चार्ट अगर हम देखते हैं ट्रेंड इज लुकिंग वेरी वेरी वीक वाई वाई इज लुकिंग वेरी वीक आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू दिस इज द फर्स्ट सेल ऑफ और यू कैन सी दिस इज द फर्स्ट सेल ऑफ Then a rise and then the second sell-off. Now this low was lower than the previous one. Again there is a steep rise. Again there is a fall. Now this low is also lower than the previous one. Now this time what has happened is RSI came over here. Generally if it is a bull run, generally, so metal pack, which it did came down, which is not a very good sign.

अगर हम वीकली टाइम फ्रेम चार्ट पे देखें तो वीकली टाइम फ्रेम चार्ट में कोई खास इतनी कहने जैसी बात नहीं बिकॉज यहाँ पे भी एक गैप दिस पर्टिकुलर सेक्टर वॉट विल है ट्रेडर आई थिंक आई विल डू नथिंग इन दिस सेक्टर एज ऑफ नाउ आई वेट एंड वॉच आई थिंक आने वाले एक या दो वीक्स में या तीन weeks mein humko pata chal ke is particular sector mein kya ho sakta hai. So as of now I'll stay away from metal pack for sure. Auto pack. Auto pack I think is showing its strength in the weekly time frame chart. Yes in the daily time frame chart I can understand because nifty gap down ho thi, toh, I think each and every index would have got hurt by this. But uh, there is one stock which is showing little bit of strength. I'm not saying that बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा लग रहा है बट इन कंपेरिजन टू अदर स्टॉक्स आई शुड से दूसरे जितने ऑटो पैक के स्टॉक्स हैं मारुति बोलो या टाटा मोटर्स बोलिए जितने भी स्टॉक्स उसके कंपेरिजन में अशोक लीलैंड थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रेंथ दिखा रहा है एंड हो सकता है कि अगर ये जो रिसेंट हाई उसके ऊपर चला जाए तो थोड़ा और रैली एक्सटेंड हो सकता है ऊपर की तरफ फाइनेंस पैक वेल फाइनेंस पैक यू कैन सी यहाँ पे रेजिस्टेंस था 161.80 परसेंट

कंसोलिडेशन थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग अगर ये सेक्टर में आएगा देन इट विल बी अ बेटर फॉर द मार्केट बिकॉज़ कोई भी सेक्टर कोई भी इंडेक्स कंटिन्यूसली ऊपर नहीं जा सकता बट uh, मैंने जितने ये सेक्टर में स्टॉक्स को मैं ट्रैक करता हूं उसमें से मुझे एक स्टॉक जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा वो है मैरिको मैरिको इज वन स्टॉक आई शुड से which is showing little bit more strength in comparison to others. And the main reason for that is that it has been able to bounce back from this support. Now this support is obviously a gap and after such a sharp sell-off you see this candle. This candle is very big. So this candle is very big, but despite that, this upside gap was not filled and the stock bounced back de diya. सो so केस अगर ये शॉर्ट टर्म चार्ट में लाइक वन आर और द टू आवरली चार्टो मैं जनरली ट्रैक करता हूँ स्विंग ट्रेड्स के लिए वहां पे अगर ये ब्रेकआउट देता है then there is a decent chance के आपको थोड़ा सा देख सकता है But overall, uh, in totality, in FMCG sector, अगर पूरा सेक्टर अगर कंसोलिडेट करके थोड़ा सा नीचे आता है देन वी माइट है so going ahead we will talk about yeah infra infra pack ke mein baat karte infra pack pack I I guess khasa gap down hua hai, and I think nothing much to say बॉटम बना के ऊपर जाना है यहाँ पे ज्यादा पॉजिटिविटी मुझे दिख नहीं रही है तो ये पूरे गैप को फिल करना पड़ेगा पहले आई थिंक और वो टाइम के साथ ही हमको पता चलेगा ठीक है बारे में मैं लास्ट वीक भी बोल चुका हूं अभी भी बोल रहा हूं दैट यहाँ पे हमको एक डार्क क्लाउड कवर दिखा है देन वी है बिग सेल द नेक्स्ट वीक आफ्टर दिस सेव है ट्रेंड इज फ्लैट इन दी टाइम फिल्म नाउ आई एम वेटिंग बिकॉज यू नो वट एज है सेक्टर में बहुत फास्ट आई

देख के तो मैं ज्यादा एक्शन नहीं लूंगा और वैसे भी मार्केट के बारे में फार्मापैक अगेन्यूज टू शो इथ स्ट्रेंथ अपार्ट फ्रॉम स्टॉक अबाउट इंडिया जो मैं काफी हफ्तों से शेयर कर रहा था दिस पर्टिकुलर स्टॉक ऑन अ गुड रिजल्ट आई गेस इट रैली नाइसली ट

रैली रैली कंटिन्यू होनी चाहिए अगर ये होती है तो ही कुछ पॉजिटिविटी बनेगी बिकॉज द वे दिस रैली वॉज है सेक्टर वॉज वन ऑफ माई पिक ऑफ द सेक्टर जस्ट बिफोर फ्यू डेज बट सडनली आफ्टर दिस करेक्शन विच हैपन वर्ल्ड वाइड करेक्शन जो सब वर्ल्ड मार्केट में आया उसके वजह से पूरा जो स्टेट ऑफ ट्रेंड बना था पी एस सी स्टॉक्स पूरा खराब हो गया सो नाउ अगेन दिस इज अर्क फॉर द पी एस सी सेक्टर देखना पड़ेगा आने वाले दिनों में कि क्या होता है ठीक है रियल्टी पैक नाउ रियल्टी पैक अगेन इट इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग रैली इन द रियल्टी पैक मैंने जो लो था ऑलमोस्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री का लो से लेके मैंने रिसेंट हाई को मैंने मैच किया वी आर ऑलमोस्ट क्लोड क्लोज टू द्वेंटी थ्री पॉइंट सिक्स परसेंट रिप्रेसमेंट विच इज एट नाइन सेवेंटी वन और ये जो रियल एस्टेट पैक था वो नाइन एटी फोर तक आया वहां से बाउंस बैक आया है इट इज बट ऑबियस देखिए एक चीज हमको हमेशा समझनी चाहिए जनरली लोग क्या ना जल्दबाजी करते हैं लोग समझते हैं अरे यहाँ पे हैमर बन गया आप तो स्टॉक या इंडेक्स ऊपर जाएगा यहाँ पे ही ले लेते कभी मत करिए बिकॉज कभी भी जो करेक्शन होता है ना इट के नॉट हैपन लाइक दिस अंडरस्टैंड इट विल ऑलवेज द करेक्शन भी अगर होगा ना तो इस तरह से होगा सो वी डोंट नो वॉट इफ यू बाय ओवर समझो कि अगर आपने यहाँ पे ले लिया एंड द नेक्स्ट वीक वी हैव अ क्लोज बिलो दिस देन वॉट यू विल डू So, that is the reason I am taking some time off. I am waiting with patience. Or I dekhna see that this support somewhere over here. Okay, 1002 which is the 161.80% extension in the daily chart. Or here 23.6% retracement in the weekly chart. These two have given good support. But does this support have the power to push back the real estate pack from this low to again on the higher side or not? एक या दो दिन के पुल से कुछ फर्क नहीं पड़ता एंटायर स्टेट ऑफ ट्रेंड हैज टू बी ठीक है सो ये हमको आने वाले टाइम में ही पता चलेगा लेट्स हैव पेशेंस फॉर फ्यू डेज थोड़ा सा टाइम लगेगा आराम से चार पांच दिन तो मुझे लगता है निकल जाने चाहिए उससे पहले मुझे नहीं लगता है पता चलेगा मे बी फोर टू फाइव डेज और मे बी इवन नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्ट ठीक है मिड मिड कैप कैप पैक पैक नाउ अगर मैं देखूं तो देर इज अट ऑफ नेगेटिव डाइवर्जेंस ओव इन द मिड कैप पैक After that, there is a uh, slightly sell-off on the upside, but then again, we recovered. Now, this recovery is good. It's fine. It's it's great. But ye low ke niche close close And rally should continue. If this continues, then again, we are back in business. Otherwise, you'll have to be a little bit careful. So, summing it up all, I guess, I have that this sudden correction market mein aaya hai. obviously kisi reason Obviously, reason?

in your entire view of the nifty and entire set of indices and stocks or other video like, please let me know with your comments below and try to share this video with other traders as well unko bhi shayad usse all right trade less trade wisely thank you